सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। जो पहले की जनता की कमाई को लूट लेते थे, वो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भर लेते थे, वो आज भी इस योजना के लिए कुछ न कुछ हल्का फुल्का मजाक उड़ाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना करते ही रहते हैं। मैं आज देश को एक जानकारी देना चाहता हूं, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, 4 करोड़ फर्जी ऐसे जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नाम 4 करोड़ कागजों में तैनात कर दिए थे। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में पिछले रास्ते से बेचा जाता था और उसके पैसे इन लोगों के काले कारनामे, काले खातों में पहुंच जाते थे। 2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन की लिस्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। आप सोचिए, पहले के समय में ये गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर कितने हजारों करोड़ रुपए हर महीने लूट रहे थे। हमने राशन की दुकानों में आधुनिक मशीनें लगाकर ये भी सुनिश्चित किया कि राशन की चोरी ना हो पाए। आप सबको पता होगा, ये जो मशीन लगाना का हमने अभियान चलाया ना, उसकी भी इन लोगों ने मजाक उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मशीन आएगा, लोग अंगूठे की छाप लगाएंगे तो सच का सच चलेगा, और इसको रोकने के लिए ऐसी ऐसी हवाएं चलाई, यहां तक कह दिया कि राशन लेने जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना लग जाएगा। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए। हमारी सरकार ने इन सब का फर्जी खेल बंद करा दिया, इसलिए लोग तिलमिलाए हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर राशन की दुकानों में पारदर्शिता नहीं आती, ये 4 करोड़ फर्जी नाम नहीं हटाए गए होते, तो कोरोना के संकट में गरीबों का क्या हाल होता। गरीबों के लिए समर्पित भाजपा की सरकार दिन रात गरीबों के लिए काम करती है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि आजादी के अमृत काल में हम मूल सुविधाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से पहुंचा सके। ऐसे ही काम के बल पर हम योजनाओं के सैचुरेशन यानी हर योजना के 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के संकल्प पर काम कर रहे हैं। गांव में जिस योजना का जो लाभार्थी होगा, हितधारक होगा, उसको उसका हक उसके घर तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम लगे हुए हैं। सैचुरेशन के इस लक्ष्य का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई गरीब योजनाओं के लाभ से छूटेगा नहीं। सरकार सब तक पहुंचेगी। इससे भेदभाव की संभावना नहीं बचेगी, भ्रष्टाचार की संभावना नहीं बचेगी। आज समाज में आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ देने की नीति हो, नियत हो, तो सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा।
साथियों, इस समय देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत मां के लाखों वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन, अपनी सुख सुविधा की आहुति दे दी थी। उस आहुति ने हमें आज का स्वतंत्र जीवन दिया है। इस अमृत महोत्सव में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाएंगे। इस कालखंड में हमारे द्वारा किए गए कार्य भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाए, यह बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरूर कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं आज मध्य प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहा हूं, इतनी संख्या में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूंगा। हम संकल्प करें कि इस वर्ष जब ये नया वर्ष शुरू होगा दो चार दिन के बाद, इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है वहां से लागर के अगली वर्ष प्रतिपदा तक, यानी हमारे पास 12 महीने हैं, 365 दिन है, हम संकल्प करें हर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। और मैं तो चाहूंगा संभव हो तो हर जिले में ये अमृत सरोवर नए हो, बड़े हो। इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मनरेगा का पैसा आता है उसकी भी मदद ली जा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका बहुत लाभ हमारी धरती माता को मिलेगा। ये हमारी धरती मां प्यासी है। हमने इतना पानी खींच लिया है, इतना पानी खींच लिया है, ये धरती मां की प्यास बुझाना इस धरती मां के संतान के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके कारण प्रकृति के प्राणों में भी एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नई चेतना आ जाएगी। इससे छोटे किसानों को लाभ होगा, महिलाओं को लाभ होगा, इतना ही नहीं ये तो जीवदया का काम होगा, पशु पक्षियों को भी बहुत मददगार होगा। यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण मानवता का बहुत बड़ा काम है जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानीय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं।